बात अगर हो जाए तो ऊपर वाले से दुआ मांग लूं, सबके दुखों में काम आऊं, ऐसा कुछ हुनर मांग लूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए चाहिए सिर्फ 3 पिलर। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ को बेस्ट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम भरपूर कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, जिसके चलते हमारे मन पर स्ट्रेस आता है, एंजाइटी होती है, मन को सेटिस्फेक्शन नहीं होती, कहीं ना कहीं खुशी की कमी लगती है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप लाइफ के उन 3 पिलर्स पर एक साथ काम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस पर काम नहीं करना चाहते या आप उसको समझते नहीं हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप उन 3 पिलर्स पर कैसे काम करना है उसकी टिप्स एंड टेक्निक्स नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 3 पिलर्स कौन से हैं जिस पर हमें काम करना है ताकि हम अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला पिलर आता है हेल्थ। दोस्तों, कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जिसके पास स्वास्थ्य होता है वो व्यक्ति अपने जीवन की हर खुशी को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अंत तक आपका शरीर ही होता है जो आपका साथ देता है। लेकिन दोस्तों, हम कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। लगभग 40 ईयर से पहले हम सब कुछ खाते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम कुछ भी खाएंगे हमें डाइजेस्ट हो जाएगा, और होता भी है। लेकिन 40 के बाद जैसे ही कोई ना कोई बीमारी हमें घेरने लगती है, तब व्यक्ति थोड़ा सा सचेत होता है, तब वो जिम ज्वाइन करता है, वॉक पर जाना शुरू करता है, किसी ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढता है, या तो फिर कोई ना कोई योगा क्लास को ज्वाइन करता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि भाई, अब तो तुझे शुगर होने ही वाली है, अब तो तुझे चलना शुरू करना ही होगा, वरना चल देगा। ऐसी बात को सुनकर वो घबरा जाता है और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में स्ट्रेस रहता है। अब सेकंड पिलर पे उसे काम करना होता है, वो होता है वेल्थ। दोस्तों, वेल्थ के लिए भी जब से बच्चा पैदा होता है तब से उसे स्कूल में भेजा जाता है, कोई ना कोई डिग्री करवाई जाती है, कभी उसको सीए बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, टीचर बनाया जाता है, या कुछ भी उसे ऐसा पढ़ाया जाता है ताकि वो अपने जीवन में अर्निंग कर सके, यानी जिंदगी के 20 से 25 साल वो अपनी पढ़ाई पर खर्च करता है, जिससे कि वो वेल्थ को कमा सके। और ऐसा पॉसिबल भी होता है, और वो बड़ा होता है किसी ना किसी ऐसे काम को करता है जिसके चलते उसके पास बहुत सारा धन भी आता है और उसकी लाइफ इसी तरह चलने लगती है, लेकिन यहां पर भी वो कहीं ना कहीं खुशी को कम अनुभव करता है। क्योंकि अक्सर काउंसलिंग के दौरान मुझे पता चलता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हर चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती है वो उनके पास होती है, लेकिन फिर भी वो खुशी अनुभव नहीं करते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने तीसरे पिलर पर काम नहीं किया होता, और वो तीसरा पिलर है रिलेशनशिप। हर व्यक्ति को अगर खुश रहना है तो उसे अपने रिश्तों पर काम करना होगा, और इन्हीं रिश्तों को इंसान सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। ये रिश्ते ही होते हैं जो हमें जन्म के साथ ही मिलते हैं और अंत तक हमारा साथ निभाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारे रिश्ते हमें मिलते हैं, जैसे कि माता पिता का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता, मामा मामी का रिश्ता, ताऊ ताई, बहुत सारे रिश्ते मिलते हैं।
लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो हम बाद में बनाते हैं, जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता। ये रिश्ते हम अपने आप बनाते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है पति और पत्नी का रिश्ता। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते को भी हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, उसे हम बहुत ही लाइट माइंडेड लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो हमारा पार्टनर बन गया है, अब ये कहाँ जाएगा। उसके साथ लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, शिकायत करना, सम्मान नहीं देना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके चलते हम खुशी को अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो आपको अपने रिश्तों पर काम करना ही होगा। कहते हैं कि रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को कमाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन गवाना बहुत आसान है। इसलिए दोस्तों, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो शादी के बाद कुछ समय तक तो वो दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं, क्योंकि वो दोनों अपना बेस्ट व्यू एक दूसरे के सामने दिखाते हैं। दोनों को हर चीज एक दूसरे की एक्सेप्टेबल भी होती है, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद ही वो दोनों एक दूसरे में कमियां निकालने लगते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और ऐसे में बैड वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, हाथ उठाया जाता है, घर में कलह होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे के साथ शेयरिंग होना बंद हो जाता है। तब उन दोनों के बीच में से खुशी गायब हो जाती है और कई बार तो उन्हें पता ही नहीं होता कि इसके आगे हम क्या करें, और वो अपनी लाइफ को यहीं पर खत्म कर देते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, एक दूसरे के साथ से अलग हो जाते हैं, या तो फिर सिर्फ चुपचाप अपनी नीड को पूरा करने के लिए रहने लग जाते हैं कि हमारे पास और कोई भी चारा नहीं है, हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। इसके आगे उन्हें पता ही नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि कहीं पर उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम इसके आगे कैसे जा सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। हम आसपास के वातावरण से ही अपने रिश्तों को निभाना सीखते हैं, या तो फिर मूवीज से सीखते हैं, जहां पर एक लड़का लड़की के बीच में प्यार हो जाता है, विलेन आता है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है और अंत में दोनों जीत जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और वहां पर लिख दिया जाता है दे लिव एवर हैप्पीली। लेकिन दोस्तों, उसके आगे उन्हें बताया ही नहीं जाता कि आगे की लाइफ आपको कैसे जीनी है, क्योंकि शादी के बाद क्या चैलेंज नहीं आते, क्या उन्हें कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, उन्हें इसके बाद समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि हम इसके आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, अक्सर काउंसलिंग के दौरान सब लोग इसी फेज पर अटके होते हैं और हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उन्हें वो टिप्स और टेक्निक्स सिखाई जाती हैं कि आप लोग कैसे अपनी लाइफ में स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। क्योंकि जो लोग अपने रिश्तों की कदर करते हैं तब उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, उनकी वेल्थ भी अच्छी रहती है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आपके पास चाहे कितना भी अच्छा शरीर हो, कितना ही ज़्यादा धन हो, फिर भी आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपके रिश्तों में खुशी है, आपके मन में भी खुशी होगी। दोस्तों, अगर आप भी कहीं पर भी अटक रहे हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। जैसे ही आप बुकिंग करवाएंगे, वहीं पर आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा।
दोस्तों, अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बनाने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक जिंदगी मिली है, इसे खुशी खुशी जिए, भरपूर जिए। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका शादीशुदा जीवन हमेशा सुखमय बना रहे। बाय।